प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर हैं और मंगलवार को उन्होंने टेस्ला सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर भी बातचीत की गई। मुलाकात के बाद टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने भारतीय बाजार में टेस्ला की एंट्री को लेकर बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में एलन मस्क ने कहा कि कंपनी निकट भविष्य में भारत में निवेश करेगी, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास होगा। एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि भारत में निवेश करने की योजना की पुष्टि करते हुए वे खुद अगले साल भारत दौरे का प्लान बना रहे हैं और विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद है कि हम निकट भविष्य में कुछ ऐलान करने में सक्षम होंगे। ये भारत के साथ हमारे संबंधों में ये एक महत्वपूर्ण निवेश होगा। एक अन्य बयान में एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि वे वास्तव में भारत की परवाह करते हैं। मैं मोदी का प्रशंसक हूँ। टेस्ला सीईओ के साथ अपनी मुलाकात पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके लिखा, आज आपसे मुलाकात शानदार रही। इस पर एलन मस्क ने पीएम मोदी के बातचीत के बाद कहा कि आपसे फिर से मिलना बेहद सम्मान की बात है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने आगे कहा कि उम्मीद है कि हम जल्द ही भारत में निवेश की एक अहम और बड़ी घोषणा कर पाएंगे। पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं क्योंकि वे हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। टेस्ला द्वारा भारत में निवेश करने के लिए इस फैसले को देश के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी अतीत में इस तरह के किसी भी निवेश के लिए अनिच्छुक रही है। ये एप्पल के सीईओ टिम कुक की हाल ही की घोषणा के बाद दूसरा बड़ा ऐलान है। एप्पल सीईओ ने कहा था कि वे भारत में अपने विनिर्माण प्रयासों को तेज करेंगे। मंगलवार को एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में की गई मुलाकात और सीईओ मस्क के भारत में निवेश के ऐलान का असर कंपनी के शेयरों पर भी पड़ा। टेस्ला इंक के शेयर 5.34% उछाल के साथ बंद हुए। टेस्ला के शेयरों में आई इस जोरदार तेजी के चलते एक ही दिन में एलन मस्क नेटवर्थ में $9.95 अरब यानी कि करीब 81,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हुआ और ये बढ़कर $243 अरब पर पहुंच गई। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।